जी देखिए, आज 30 मार्च को बुधवार को जो हमारे विभिन्न पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने जो यहाँ पर स्ट्राइक की कॉल दी थी, वो एक बहुत अच्छे माहौल में हमारी बात हुई है सभी ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ, उनके नुमाइंदे, उनके प्रेसिडेंट, सभी ज़िलों के जो यूनियन से जो नुमाइंदे आए थे उनके साथ पूरी डिस्कशन हुई और जो जो इसमें बिंदु थे इनके उन पर पूरी चर्चा हुई। बहुत अच्छे माहौल में मैं समझता हूँ चर्चा हुई और एक पूरे कंसेंसस के साथ इसको इमीडिएटली जो है स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया है। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी यूनियन का। 5 बिंदु थे जिन पर एक कंटेंशन चल रही थी, जो इनके ग्रीवियांसिस थे, उसमें से इमीडिएटली 4 जो पॉइंट्स हैं उनको मान लिया गया और एक जो पॉइंट था फेजिंग आउट ऑफ व्हीकल्स को लेकर, उसमें अग्री हमने किया है म्यूचुअली कि इसमें एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और उस पर भी जो है आने वाले टाइम में एक पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाएगा ताकि इसमें किसी को भी मुश्किल ना हो। और ये एक आम चर्चा इस बैठक में यही हुई कि बहुत मुश्किल दौर से ये पूरा सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर गुजरा है कोविड के चलते, और इसमें जो है अब ज़रूरत है कि हम नॉर्मलसी की ओर चूँकि बढ़ रहे हैं तो सभी लोग काम करें। हमारा पूरी सीज़न बढ़ रहा है और ये असेंशियल सर्विस है और मैं ख़ास तौर पर जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने एक दूसरे की बात यहाँ पर समझी और इमीडिएटली जो है ये इंश्योर किया गया कि ये असेंशियल सर्विस बहाल रहेगी और हम लोग एक टेबल पर बैठकर, आम टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ जो भी इश्यूज हैं और आगे भी जो इश्यूज आएंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंट साहब भी जो है अपनी बात रखें। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे रिपम साहब जो जम्मू SSP चंदन कॉलेज जी और DC हमारे जम्मू और जितने हमारे ग्रुपों के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और हमारे जितने भी कश्मीर से आए हुए हमारे सभी रूटों के प्रधान साहिबान और जम्मू से। तो आज हमारी, क्योंकि दिन में हमारा तीसरा राउंड अभी रात के 2 बज रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी ट्रांसपोर्टरों के लिए थी, क्योंकि कोरोना के दौरान जो हमारे लॉसेस थे और हमारी जो मेन 5 मांगे थी उसमें 4 पे हमारी अभी जो 2 बजे हमारी, क्योंकि हम मुझे लगता है हम 10 बजे बैठे थे और अभी 2 बजे तक हमारी सिलसिला जो मीटिंग वो चलता था। तो हमारी 4 जो डिमांड्स थी इसमें हमें 4 दिन का जो टाइम मिला है, क्योंकि हर एक चीज़ लड़ाई झगड़े से नहीं होती, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों की भलाई के लिए। हम जो हमारी मांगे थी वो सरकार माने और सुना गया हमें अच्छे माहौल में और आश्वासन दिया है कि 4 दिन के बाद आपकी जो 4 मांगे हैं उसमें था हमारा पैसेंजर टैक्स, SRTC, ड्राइविंग लाइसेंस और GPR। एक जो हमारी डिमांड्स है उसमें हमारी कमेटी बनेगी जो 20 से 25 साल, तो सभी हमारे जितने भी ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं सबने माना है, क्योंकि सरकार को भी हमने मद्देनज़र देखते हुए रमजान और जो नवरात्र हमारे हैं देखते हुए हमने, क्योंकि कुछ मजबूरियां सरकार की भी होती हैं, समझा हमने उनको। 4 जो हमारी डिमांड्स है वो मानी गई हैं, आने वाले 2-4 दिन में सरकार ऑर्डर निकालेगी तो मुझे लगता है हमें सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि ये मुश्किल जो है आए दिन चलती रहेगी, लेकिन जो मौजूदा हमें परेशानी थी तो वो उसका हल निकला है, मीटिंगों से ही निकलता है, बैठकें करके ही निकलता है। मैं धन्यवाद करूँगा अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट लखनपुर से लेके कश्मीर की जितनी हमारी जनता अगर मेरी आवाज़ सुन रही है, कल से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी और उसके बाद मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि जो हमारी 4 डिमांडों के लिए उन्होंने टाइम मांगा है वो जल्द ही हो। धन्यवाद।